शरीफ लोगों को फंसाना चाहती है, और हरीफ लोग हैं जो बदमाश टाइप के हैं, चोर चुकेंगे इन लोगों के साथ, और इनका टाइप अच्छा होता है। तो वो पकड़े गए, जेल भी चले गए। हाँ, और उस समय शहाबुद्दीन का समय था, 10th क्लास में जिस समय था। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में, और आज हम सिवान शहर में मौजूद हैं, और यहाँ पर एक ऐसी शख्सियत से मिलने वाले हैं जो कि सिवान में पत्रकारिता की बात करें तो अपना 2 दशक इन्होंने दिया है, और इस कदर इन्होंने सेवा की है सिवान में कि आज मतलब लगभग 300-400 लोगों के घर में चूल्हा जलने का जरिया बने हैं, और ये काफ़ी अहम हो जाता है एक पत्रकार जो कि स्वेच्छा से अपने जूनियर हैं उनको कोऑपरेट करें, उनको सिखाए, और उनको इस जो दौर है, इस जो सेक्टर है, इसमें आगे बढ़ने में मदद करें। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं आकाश कुमार, जो कि सिवान के डीडी नेशनल के जिला संवाददाता हैं, और साथ ही साथ News24 में अभी काम कर रहे हैं। इसके साथ इंसॉर्ट्स के रीजनल मैनेजर हैं, जो कि इंसॉर्ट्स पब्लिक ऐप के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा इन्होंने पूर्व में जी न्यूज में काम कर चुके हैं, इसके अलावा इंडिया न्यूज में भी इन्होंने अपनी सेवा दी है। तो काफ़ी बड़ा नाम है और काफ़ी मज़ा आने वाला है आज के इंटरव्यू में। तो सबसे पहले हम स्वागत करेंगे आकाश जी का अपने चैनल। धन्यवाद सुशांत जी, और अच्छा लगा कि आप मेरे बारे में इतना कुछ आप जानते हैं, और बहुत कुछ अच्छा जाना आपने। और निश्चित रूप से आप जैसे युवा अगर इस तरह का ब्लॉगिंग बनाते हैं, अच्छी चीज़ों को सामने लाते हैं, तो लोगों को बहुत कुछ जानने का मिलता है, और लोग जानते हैं कि हमारे सिवान में अच्छा क्या है। आपकी जो थीम है, जो आपसे बातचीत करके पता चली कि सिवान में क्या अच्छा हो सकता है, क्या अच्छे लोग हैं, कहाँ अच्छी संस्था हैं, कहाँ अच्छे समाजसेवी हैं, या हमारे सिवान किस लिए जाना जाता है, इन सब चीज़ों पे आप गौर फरमा रहे हैं और अपने ब्लॉग के माध्यम से लोगों को बता रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। निश्चित रूप से आप बहुत आगे जाएंगे और मेरा जितना सहयोग होगा आपके साथ करेंगे। बताइए और क्या कहें। कहीं ना कहीं सपनों का सिवान आज एक नया एपिसोड, और एक मतलब हमने बहुत लोगों से अभी तक मिला है, लेकिन ये शख्सियत जो है वाकई में मतलब अगर मीडिया के क्षेत्र में हम जाएं, इस उम्र में अपना 2 दशक देना बहुत काबिले तारीफ है। तो हम जानना चाहें कि ये जो सिवान पूर्व में काफ़ी यहाँ पर बिहार को जंगल राज से जाना जाता था, और काफ़ी कुछ एज अ पत्रकार, एज अ मीडिया पर्सन बहुत सारे चैलेंजेस रहे होंगे, तो पूर्व में क्या क्या आपको अनुभव, क्या संघर्ष, क्या कठिनाइयाँ रही हैं, उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डाल। बिल्कुल सुशांत जी, देखिए संघर्ष जो होता है ना, वो सफलता की एक बड़ी कुंजी होती है। अगर हम किसी भी क्षेत्र में हैं और संघर्ष कर रहे हैं तो निश्चित रूप से सफल होंगे। थोड़ा डिले हो सकता है, इसमें हम कहीं डिनाई नहीं कर सकते हैं कि हाँ लेट हो सकते हैं, लेकिन हम उन सभी युवाओं को बोलेंगे, एक मिनट, तो मैं जितने भी युवा हैं उन लोगों को तो यही कहूँगा कि किसी भी काम में, चाहे पत्रकारिता का क्षेत्र हो, आपकी इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, या फिर मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में अगर आप दिल लगा के काम करते हैं और ईमानदारी से उसके साथ जुड़े हुए हैं, बिना परेशानी के बिना कुछ होता नहीं है, लेकिन आप जुड़े हुए हैं, थोड़ी सी समस्या आपके साथ आ रही है, तो उन समस्याओं को फेस कीजिए, निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे और सफलता मिलेगी। तो ये गुण मेरे साथ जितने भी लड़के रहे हैं, जितने भी हमारे जूनियर पत्रकार साथी रहे हैं, या जो हमारे असिस्टेंट के रूप में रहे हों, सबको मैंने भाई की तरह ट्रीट किया है, या फिर परिवार के सदस्यों की तरह ट्रीट करता रहा हूँ। तो ये सारे लोग जो हैं, मैं उन लोगों को ये सिखाता रहा हूँ कि आप कहीं भी एस्टेब्लिश करोगे तो थोड़ा सा उसमें टाइम देना होगा, थोड़े से अपने लॉस सहने होंगे। अभी के दौर में आपको बताऊं कि पत्रकारिता का जो रीजन चला हुआ है, उसमें सीधे सीधे तौर पर ये है कि एक खबर चलाई और चला के मैंने उस एवज में कहाँ से क्या लाभ ले लिया, यही एक नेचर बना हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि विगत का 2 साल जो रहा है ना कोरोना काल, इस कोरोना काल में पत्रकारों की संख्या काफ़ी बढ़ी है, और ख़ास करके यूट्यूबरों की। रीजन क्या है? रीजन ये है कि भारत जैसे इस देश में मुद्रास्फीति जो है वो काफ़ी डाउन हो गई है, लोगों के पास इनकम के जरिया नहीं है, तो लोग अभी सोचते हैं कि हम वैसा काम करें जिसमें हमारा नेम फेम भी हो, थोड़ा पैसा भी आ जाए। तो मैं उन युवाओं को ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग थोड़े से पैसे के लिए और अपना समय पत्रकारिता से क्षेत्र में बर्बाद कर देते हैं, उनको चाहिए कि पत्रकारिता करें, लेकिन एक सही एम के साथ करें, और सही एम के साथ, सही एजुकेशन के साथ अगर यहाँ पे आते हैं तो सफलता कहीं ना कहीं श्योर मिलेगी और एक रास्ता मिलेगा। मैंने बहुत दिनों तक डाउन लेवल पे आके डाउन टू अर्थ पत्रकारिता की है। मैं हर एक व्यक्ति का इंटरव्यू लेता था, हर जगह जाता था। आने वाले समय में अभी मैनेजमेंट से जुड़ गया हूँ, इंसॉर्ट्स जैसी बड़ी कंपनी में मैं रीजनल हेड के रूप में हूँ, और दूरदर्शन जैसे कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, फ्रीलांसिंग के रूप में और भी कई चैनलों में काम करता रहा हूँ,
जहाँ मुझे सिर्फ पत्रकारिता से मतलब होती है, मुझे ये मतलब होता है कि सही चीज़ें लोगों तक पहुँच जाए। सोर्स का इनकम जो सोर्स का जो साधन है वो मेरा जॉब है, ठीक है। इसके अलावा मेरा और कोई सोर्स का साधन नहीं है और मैं प्रयास भी नहीं करता हूँ कि मैं सोर्स का साधन असंभावित तौर पर किसी को बनाऊँ या लोगों को प्रेरित भी करूँ, ठीक है। बहुत सारे लड़के हमारे साथ जुड़े काम करते हैं, करते रहेंगे। अभी भी लगभग 200 ऐसे परिवार हैं, 200 ऐसे व्यक्ति हैं, परिवार है जो मेरे चलते जॉब में है और काम करता है और एक अच्छी सैलरी उनके प्रखंड, उनके गांव में और उनके ज़िले में रहकर मिल जाती है मेरे चलते। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उन लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ और निश्चित रूप से ये पूरा क्षेत्र जो है पत्रकारिता से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे लोगों के लिए मेरे पास जॉब ऑप्शन होते हैं, मैं अक्सर अपने फेसबुक पर डालता रहता हूँ, अक्सर लोगों से बात करते रहता हूँ। ओवरऑल मुझे उन लोगों को हायर करना है जो लोग काम करना चाहते हैं। तो यही मेरा सिद्धांत रहा है कि आप अपने काम को ईमानदारी से करो और निष्पक्षता से करोगे तो कहीं ना कहीं हमेशा आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, हर लोग आपको तहजीब देंगे। तो इसी सिद्धांत के हिसाब से मैंने अपने लगभग 18-19 साल दिए हैं पत्रकारिता में और भी लगातार दे रहा हूँ। एक चीज़ आपने कही कि युवाओं को एक सही दिशा निर्देश मिलनी चाहिए, तो उस पर भी मैं प्रयास करता हूँ कि गलत लड़कों को मैं कभी कन्विंस ना करूँ। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि थोड़े से फ़ायदे के लिए गलत कन्विंस कर देते हैं। मुझे लगता है कि अगर मुझे 1-2 हज़ार रुपये फ़ायदे हो जा रहे हैं और उसके लिए मैं गलत को किसी लड़के को गलत रास्ते पे ला दूं, तो ये मेरी अंदर की इच्छा जो है वो गवाही नहीं देती है, मैं मना कर देता हूँ। उससे भी बुरा लगता है कि मेरा ये पैसा मिलने वाला था, नहीं मिला। सामने वाला जो लड़का है जो मेरे साथ है, क्योंकि वो इसी समाज से जुड़ा हुआ है, उसको पता है कि फलाने जगह जाते हैं तो ये चीज़ें मिल जाती हैं, यहाँ नहीं मिलती हैं। लेकिन जो मेरी इच्छा शक्ति है और जो मेरे अंदर की अंदर आत्मा है वो बोलती है कि नहीं, इस काम को आप कर नहीं सकते हो, अनुचित है, तो मैं नहीं करने देता हूँ। और मेरे पीठ पीछे कोई कुछ भी कर ले वो अलग बात है, लेकिन मैं अपने जानने में ये नहीं करने देता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि सिवान जैसी पत्रकार जगहों पर पत्रकारिता करना और दमखम के साथ करके अपने इमेज को बचाना, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती रही है हमारे पूरे लाइफ में। जिस समय मैं पत्रकारिता कर रहा था, आपने भी बताया कि जंगल राज वगैरह इन सब चीज़ों से जूझ रहा है, बहुत सारी चीज़ें आईं, कई धमकियाँ मिलती थीं, कई लोग शो कॉच करते थे, कई लोग सवाल खड़े करते थे, कई लोग बेचू पत्रकारिता, बिकी हुई पत्रकारिता, इन सब चीज़ों को झेलना पड़ा है, हम लोगों को भी झेलना पड़ा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नीचे के लोग ही इसे झेलते हैं, इसको झेलने का श्रेय ऊपर के लोगों को भी जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि हम जो ग्राउंड पत्रकारिता करते हैं, अगर ऊपर जाकर वो पत्रकारिता सेम रहती तो पत्रकारिता की रूपरेखा अच्छी होती और लोग भी इसकी वाहवाही करते हैं। हम तो ग्राउंड लेवल से करके कुछ और भेजते हैं, चल कुछ और जाता है। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में भी बहुत बड़ी गड़बड़ी होती है, इन सब चीज़ों से हम लोगों ने सामना किया है। और शोषण सबसे ज़्यादा है पत्रकारिता में, मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा शोषण है। ये न्यूज का टारगेट है, आपको न्यूज का टारगेट तो कम है लेकिन आपको पैसा उस न्यूज के अवज में कितना मिलेगा इसकी सियोरिटी नहीं है। फ्लक्चुएट भी करते रहेगा, नहीं भी मिलेगा। अब ऐसे में एक युवा जो अपने सपनों को देख रहा है कि मैं पत्रकार हूँ, बड़े बैनर में जुड़ा हूँ, इससे मुझे अच्छा पैसा आ जाएगा तो मैं अपने काम कर लूँगा, अगर नहीं आता है तो अपना पेट्रोल खर्च कहाँ से निकालेगा, मोबाइल खर्च कहाँ से निकालेगा, इंटरनेट वगैरह, अपने कपड़े, अपने को कैसे लेवल मेंटेन करेगा, इन सब चीज़ों पे बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो इन सब चीज़ों से मुझे लगता है कि मुझे लगा कि मैनेजमेंट में आना चाहिए, फिर मैनेजमेंट में आया और मैं भरसक प्रयास करता हूँ कि जो भी मेरे लोग साथ जुड़े हुए हैं, थोड़ा कम ही हो लेकिन मिले ज़रूर, जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं उस हिसाब से उनके मानदेय जरूर मिलने चाहिए। पत्रकारिता का सबसे अच्छा उदाहरण अभी जिस बैनर से मैं जुड़ा हुआ हूँ, 1 रुपया ही देता है, चाहे 20 रुपया ही देता है पर खबर, लेकिन देता जरूर है। ऐसे में बहुत सारे ऐसे मीडिया हैं, संस्थाएं हैं जो ये भी नहीं देते हैं और शोषण करते हैं। ऐसे में ही जो युवा पीढ़ी है वो गलत रास्तों पर चली जाती है। अगर आपको एक शेड्यूल वेस्ट में पैसे मिलने लगे तो आप बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं करेंगे और एक्स्ट्रा सोर्सेज, गलत रूप से खबरों को चलाने का सोर्सेज नहीं प्राप्त करेंगे। आकाश जी, हम जिस युग में या फिर जिस साल में हम विद्यार्थी जीवन में थे, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा, हम तो बिहार में हैं और ज़्यादा रुझान बच्चों का सरकारी नौकरी लेना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना या फिर कोई सिविल सर्विसेज में काफ़ी बड़े पोस्ट पे जाना। तो उस वक्त आपका एज अ मतलब स्टूडेंट हॉबी पत्रकारिता में क्यों आया? देखिए, 2-3 चीज़ें रहीं मेरे जीवन में इन चीज़ों के बदलाव के लिए। मैं वेल एजुकेटेड हूँ, मास कम्युनिकेशन से मैंने MA किया है और डबल ग्रेजुएशन हूँ। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जिस समय मैं पढ़ाई कर रहा था और लर्निंग पीरियड में था, युवा पीढ़ी की शुरुआती दौर में मैं था, जब उस समय एक घटना मेरे घर गिरी। ये जो मकान मेरा है, इस मकान पे नया मकान बना हुआ था, कुछ दरवाजे लगे थे, कुछ नहीं थे।
तो उस समय हुआ क्या कि मेरे पिताजी और मेरे पूरा परिवार इस घर में सोया था और मेरे घर में चोरी हो गई। चोरी हो गई और चोरी होने के बाद हुआ क्या कि हम लोगों ने कंप्लेन कर दिया पुलिस को, नगर थाने में कंप्लेन किया। आई थिंक मैं उस समय 10th क्लास में था, नगर थाने में कंप्लेन हुआ। कंप्लेन करने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगले दिन संयोग से वो चोर दूसरी बार मेरे घर में घुसा और दूसरी बार घुसा, फिर उसको पकड़ा गया मेरे घर के अंदर से। उसको मोहल्ले के लोगों ने पकड़ के जम के पिटाई की। आई थिंक थोड़ा सा इंजरी भी उसकी हो गई थी। वैसी परिस्थिति में क्या हुआ कि उस चोर के कंप्लेन को पैसे के बल पे या चोरी किए हुए जो भी संसाधन उसके पास थे, ठीक है, उस बल पे उसके केस को दर्ज कर ली गई। मेरे के यहाँ चोरी हुई, पीड़ित हम लोग थे, मोहल्ले के लोगों ने मारा था और हमारे पिताजी पे FIR हो गया। ठीक है, मेरे पिताजी पे FIR हुआ, पिताजी को पुलिस ने पकड़ लिया। मतलब सीधे सीधे हम आपको बताना चाह रहे हैं कि पुलिस किस कदर शरीफ लोगों को फंसाना चाहती है और हरीफ लोग हैं जो बदमाश टाइप के हैं, चोर उचकेंगे, इन लोगों के साथ इनका टाई अप अच्छा होता है। तो वो पकड़े गए, जेल भी चले गए। हाँ, और उस समय शहाबुद्दीन का समय था, 10th क्लास में जिस समय था, लगभग 1 सप्ताह लगा मुझे बेल लेने में। मैं छोटा था, 10th क्लास में था, परिवार में और कोई नहीं, मेरे परिवार में जेंट्स में मैं ही और मेरे पापा, मैं छोटा ही था, पढ़ाई लिखाई कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें हुई। तो उस पीरियड में मैंने जो चीज़ें देखी, 2-3 चीज़ें सामने आई कि खूब जम के खबर लिखी गई और एक पत्रकार मेरे साथ थे, नाम तो नहीं याद है मुझे, लेकिन उनकी बातें मैं देख रहा था कि पुलिस बहुत मान रही है, सुन रही है और उनसे डर भी रही है। तो दिमाग में आया कि ये कौन सा व्यक्ति है जो ना किसी पोस्ट पे है ना कुछ है, लेकिन फिर भी इसकी थोड़ी हाईलाइट किया जा रहा है और वैल्यू दिया जा रहा है। और तो मेरे दिमाग में आया कि कुछ ऐसा करना चाहिए कि कम से कम समाज को एक सही दिशा निर्देश मिल सके। और मैंने वैसे भी मैंने जॉब के लिए कई बार ट्राई किया, एक आध जगह जॉब भी मेरे सरकारी हुए थे, लेकिन हुआ क्या कि जो इच्छा होती है ना कि दब के काम करना और बंद के काम करना, वो नहीं हुआ। तो मैंने रेलो में भी ट्राई किया, एक आध रिजल्ट भी आ गए, लेकिन एक जो इच्छा थी वो अंदर से नहीं गवाही दी। तो फिर मैंने नहीं ट्राई किया। एयरफोर्स में भी मैंने ट्राई किया था, डिफेंस में भी मैंने ट्राई किया था, तो कई जगहों पर हुआ लेकिन किया नहीं। शिक्षक में भी मैं नहीं बना। तो ये सब चीज़ें रही और मैंने देखा समाज में कि कम से कम वो तो कर सकते हैं कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ नहीं करने से अच्छा है कि कुछ कर लो। अगर मैं शिक्षक बन जाता तो बस एक कुछ खास लोगों के बीच में बन के रह जाता। अगर मैं किसी जॉब में चला जाता तो बस 10 लोग अधिकारियों के बीच में और अपने सहपाठी जो उनके बीच में रह जाता। अभी क्या है कि आपसे भी मिल लेता हूँ, DM से भी मिल लेता हूँ, SP साहब से भी मिल लेता हूँ, एक नेता का भी इंटरव्यू ले लेता हूँ, उनका भी क्लास लगा लेता हूँ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, उनका भी क्लास लगा लेता हूँ, DM साहब से भी सवाल कर लेता हूँ। अभी आपने देखा होगा कि बड़ी खबर मैंने चलाई थी एम्बुलेंस घोटाला, वो मेरी ही खोली हुई खबर थी। अगर वो एम्बुलेंस घोटाला मैं यहाँ सिवान में नहीं चलाता और नहीं खोलता तो वो 20-22 करोड़ रुपये का जो घोटाला हुआ था वो दब जाता, किसी के सामने आता भी नहीं। अगर आता भी तो हो सकता है कि मैनेज हो जाता या मैनेज हो गया था, लेकिन मैंने उसको लाया, लाया और उस पर FIR भी हुआ, अधिकारी भी गए, DM ने भी मुझे सवाल कर दिया कि आपने गलत चला दिया, लेकिन उन्हीं की रिपोर्ट में 3 महीने बाद ही आया, लेकिन आ तो गया कि हाँ भाई ये 10 लाख का आपने 22 लाख में खरीदा है। मामले सामने आ गए। तो ये चीज़ें मेरे दिमाग में उसी समय से बैठ गई और उसी वे में मैं जाने लगा सामाजिक स्तर पर अपना काम करना। मैंने एक अपना NGO भी खोला था, अस्थित युवा मंडल, आज भी रजिस्टर्ड है वो। तो उसमें भी मैंने सामाजिक स्तर पर काम किए हैं बहुत ज़्यादा। तो समाज में जुड़ने का एक अच्छा मौका मिला। फिर मैं पढ़ाई करने पटना चला गया, पढ़ाई किया। यहाँ एक लोकल चैनल में मैंने ज्वाइन किया था, एक पत्रकार थे सहारा समय के, उनके साथ उन्होंने एक लोकल चैनल खोली, कुछ दिन वहाँ सिखाई किया। उसके बाद से फिर पढ़ने चला गया पटना, पढ़ाई किया। मेरे एक अच्छे मित्र है जो यहाँ रीजनल चैनल में रिपोर्टर हैं, उनके साथ हम लोग एक साथ रह के पटना पढ़ाई करते थे। पढ़ाई किया, फिर वहीं पर हम लोगों ने जॉब शुरू किया। धीरे धीरे लगा कि अब चूंकि मैं भी इकलौता था घर में, आ गया यहाँ पे और यहीं पे तलाश करने लगा। एक रांची से लॉन्च किया था पोद्दार एंड ग्रुप का, जो ड्यूरोसेल कंपनी के मालिक हैं, उनके एक चैनल लॉन्च किया था न्यूज़ 365 दिन, तो वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया फर्स्ट टाइम। और वहाँ ज्वाइन करने के बाद फिर मैंने काम करना अपना शुरू किया और धीरे धीरे फिर महुआ न्यूज़ में, दूरदर्शन में, जी में और भी बहुत कई चैनलों में मैंने काम किया है। धीरे धीरे यही मेरा सफर चलता रहा। उसके साथ मैंने अपना YouTube चैनल भी, अपना न्यूज़ भी चलाना शुरू कर दिया।
बहुत सारे लड़के हमारे साथ जुड़े हैं, काम किए। बस मैं ये नहीं जानता हूँ कि अपने जीवन काल में जिस तरह से मैं पत्रकारिता में शोषित हुआ दूसरे लोगों के साथ काम करके, मैंने किसी को शोषण नहीं किया है और कभी करने की कोशिश भी नहीं करता हूँ। चाहे जिस स्तर पर हो, चाहे कम हो या ज़्यादा हो, उनके पैसे उनके हक के मिल जाते हैं। मैं अपने पॉकेट से दूँ या फिर किसी माध्यम से मेरे पास पैसे आते हैं, या खबरों के माध्यम से बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि ये नेचर बना हुआ है कि खबरों के एवज में भी कुछ लोग पैसे दे देते थे, तो उसके जो हिस्से उनके होते थे वो उनको मिल जाता था। तो इन सब चीज़ों से मैं बहुत ही बेबाकी से बात करता हूँ कि भाई मेरे साथ जो हैं, जो मेरे पास है और जो आपका हक बनता है वो मैं नहीं छोड़ूंगा। अब दूसरी चीज़ ये है कि मैं जिस लिए काम कर रहा हूँ, जो मेरी सैलरी है वो तो मेरे परिवार के लिए है, क्योंकि उसी के लिए मैं टाइम देता हूँ। अपने परिवार का टाइम भी छोड़ के मैं अपनी जॉब कर रहा हूँ, तो वहाँ से तो मैं नहीं दे सकता हूँ, ठीक है। लेकिन जो आते हैं मेरे पास पैसे, वो हमारे साथ में जो सपाटी हैं, जो लोग काम करते हैं उनको जाता है, या फिर मेरे साथ जो विज्ञापन के काम करते हैं, सेल्स में जो काम करते हैं, उनके जो परसेंटेज हैं एकदम ईमानदारी से उनको मिल जाती है। तो इन चीज़ों को मैं हमेशा तरजीह देता हूँ कि जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनका उनका हक मिलना चाहिए, और हक मिलेगा तभी वो दूसरा कोई गलत काम नहीं करेगा, मेरे साथ भी रह के ईमानदारी से रहेगा। यही मेरा ध्येय, आगे भी यही करता रहूँगा। कहीं ना कहीं मतलब एज जिस समय में आप पत्रकारिता में आए वो काफ़ी चैलेंजिंग रहा, और ये सफ़र इन्होंने जो बताया कि मतलब जो इनके साथ घटा, जो शोषण इनका हुआ एज अ पत्रकार, जब इन्होंने शुरू किया एज अ संपादक या फिर एज अ रिपोर्टर, आप ब्लॉक लेवल पे या फिर कहीं से आप फिर किन्हीं को रिपोर्ट करते होंगे जो न्यूज लाए, तो उस वक्त जो शोषण आपके साथ हुआ उससे आने वाले या फिर अभी जो काम करें उनको निकालना आपका पर्पस रहा, और ये काफ़ी अच्छा चीज़ है, क्योंकि किसी सेक्टर में हमारे ऊपर कुछ खराब गुजरा तो उसको हम अपने आने वाले जनरेशन पे ना गुजरने दें, तो ये काफ़ी अच्छा सोच था। तो अब हम एक अंतिम प्रश्न आपसे पूछेंगे कि सिवान के लोगों और या फिर आने वाले जो हमारे जनरेशन है जो इस सेक्टर में आना चाहते हैं उनके लिए क्या मैसेज होगा? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो है कि जो लोग भी आते हैं ना इस सेक्टर में, तो मैं तो एक ही सवाल पूछता हूँ कि भाई तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है। पहले सबसे पहला चीज़ कि आपका बैकग्राउंड क्या है ये जान लेता हूँ। अगर बैकग्राउंड डाउन टू अर्थ है, हैंड टू माउथ है, तो फिर तो मैं उनको सजेस्ट करता हूँ कि आप यहाँ ना आओ। सबसे पहला सजेशन मैं यही करता हूँ कि इस क्षेत्र में आने की कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि कोरोना काल में बहुत सारे ऐसे परिवार के लड़के पत्रकार हो गए, और बहुत सारे ऐसे यूट्यूब खुल गए जिनको सोर्स के कोई साधन नहीं थे, घर पे आके बैठ गए थे, और वो लोग भी आ गए कि चलो ये एक पत्रकार का लेवल बना लिया, एक माइक बना लिया, और फिर घूमने लगे। पुलिस भी कोई पूछेगी नहीं, अधिकारी भी कोई पूछता नहीं है, और कहीं भी गए तो एक खबर बना लिया, खबर के आवाज में कुछ पैसे मिल जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज यूट्यूबर हैं तो यूट्यूब सबको पैसा देता है। मैं अभी गिन के बता दूं कि सिवान में दो ही तीन ऐसे यूट्यूबर होंगे जिन्हें रेगुलर पैसे आते हैं, या वो भी नहीं होंगे, ठीक है, मंथली उनको भी नहीं आते होंगे, हाँ, ठीक है। अब यूट्यूब के जो टर्म और कंडीशन है बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। आपके 100 व्यूअर भी हैं, 1000 व्यूअर्स भी हैं, तो भी वो विज्ञापन अपना लगाता है लेकिन आपको उसका पैसे नहीं देता है, आप उसके साथ मोनेटाइज नहीं है। और बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जिनके पास लाखों व्यूअर्स हैं, लाखों सब्सक्राइबर्स हैं, तो भी उनको पैसे नहीं आते हैं क्योंकि उसके टर्म और कंडीशन पे वो खड़े नहीं उतरते हैं। तो यूट्यूब हर जगह पैसा देता है ये मैं नहीं मान सकता हूँ। अब क्या है कि पैसे आते कहाँ से हैं, पैसे कैसे रिपोर्टर्स कमाते हैं, तो ये जरिया आप खुद समझ सकते हैं कि कहाँ से आते हैं, या फिर आप पेड न्यूज़ के रूप में उसे चला दीजिए, पीआर न्यूज़ के रूप में चलाइए, किसी के पक्ष में लगातार आप खबर चला रहे हैं, तो ये सीधे येलो जर्नलिज्म आता है। इसको हम कहते हैं पित्त पत्रकारिता। येलो जर्नलिज्म से मैं भरसक प्रयास करता हूँ कि दूर रहूँ, और लोगों को भी सजेस्ट करता हूँ कि इन चीज़ों से दूर रहें। आप किसी के पक्ष में एक चला सकते हैं, दो चला सकते हैं, लगातार एक एपिसोड गोदी मीडिया, वो वाला बात वही चीज़ उसी को येलो जर्नलिज्म कहते हैं कि हम लगातार किसी के पक्ष में चलाते जा रहे हैं, उसके निगेटिव फैक्टर हम जानते नहीं है, उसके विपक्ष में कौन बैठा है उससे हम उसकी सलाह लेते नहीं है। हर जगह जो सत्ता में है वही सही होगा ये जरूरी नहीं है, या जो पावर में है वो सही होगा वो जरूरी नहीं है। आपको लगता है कि मैं जो बात बोल रहा हूँ उसमें सब 100% सही है, ये आप नहीं मान सकते हैं और मैं भी नहीं मानता हूँ कि आपकी नज़र में वो सही हो सकता है, मेरे नज़र में सही है, ठीक है। तो आप दोनों पक्ष रखिए, फिर डिसाइड करने दीजिए जनता को कि दोनों में से सही कौन है। जब दोनों डिसाइड करके सामने आएगा तब उसको सही जर्नलिज्म कहते हैं, सही पत्रकारिता कहते हैं। तो येलो जर्नलिज्म से बचें, नए साथी जो हैं, नई युवा जो पीढ़ी के लोग हैं, इन चीज़ों से बचें। और लास्टली यही है कि आप जोश के साथ होश ना खोएं। जोश है तो जोश के साथ समझदारी बना के रखिए, होश में काम कीजिए। उत्तेजित नहीं हो सकते हैं, पत्रकारिता का मतलब, पत्रकार का मतलब चिस्मार खान तोप खान नहीं हो सकता है। एक बहुत पुरानी कहावत है कि अगर तोप के काबिल हो तो तलवार अखबार निकालो। ऐसा कुछ अब नहीं रह गया है। अभी क्या है कि
सत्ता पक्ष हो, सरकार हो, इनका भी दबिश पत्रकारों पे बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सूचना प्रसारण मंत्रालय ने एक नए नियम निकाल दिए हैं कि जो भी यूट्यूबर हैं उनको हम अवैध नहीं मान सकते हैं, लेकिन वैध भी नहीं मानते हैं, वो दोनों में से ठीक है। अब क्या है कि इसके लिए एक कमेटी गठित करनी है, वो खास लोगों की कमेटी होगी, कौन कौन लोग होंगे इसके अभी मापदंड और गाइडलाइन प्रत्यक्ष रूप से किसी के पास नहीं आए हैं, बहुत कम लोग जानते हैं। तो अब उस गाइडलाइन के हिसाब से आप काम कर पाते हो कि नहीं, आपका एजुकेशन सिस्टम क्या होना चाहिए, किस एजुकेशन मापदंडों पे आप पत्रकारिता कर रहे हो। बहुत सारे ऐसे पत्रकार मुझे दिखते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे दिखते हैं जिनके ना सवाल करने की सुध होती है और ना ही जवाब में सही हामी भरने की सुध होती है, वो गलत में भी हाँ कहते हैं और सही में भी ना कहते हैं, तो लॉजिक यूज ही नहीं करते हैं और आपके जवाब से ही सवाल नहीं निकाल पाते हैं, तो वैसे पत्रकारों का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो पत्रकारिता नहीं, आप ब्लॉगिंग कर सकते हो, ब्लॉगिंग अलग चीज़ होती है, पत्रकारिता अलग चीज़ होती है, एक न्यूज़ चैनल बना के न्यूज लगाना अलग चीज़ होती है। अगर आपको शौक है बहुत लोगों के बीच में आने का, मीडिया में आने का, तो आप ब्लॉगिंग करो। आजकल तो सोशल मीडिया बहुत ही मजबूत प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया का ही देना है कि आज पब्लिक जैसा ऐप लगभग 150 मिलियन लोगों के बीच में है, सिवान जैसे जगहों पे 17-18 लाख लोग इसको यूज कर रहे हैं, व्यूज अच्छे जाते हैं, छोटी छोटी खबरें आती हैं, उसका भी मापदंड है, उसमें भी गलत खबरें नहीं चल सकती हैं, बिना ऑथेंटिसिटी की खबर नहीं चलती है, उसको भी रिजेक्ट किया जाता है। लेकिन हाँ, ये है कि सोशल से दूर है, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जो भी लोग काम करते हैं, हमारे पत्रकार साथी, मैं सबको सबको बोलना चाहता हूँ कि जो लोग भी काम कर रहे हैं वो सभी लोग जोश के साथ काम करें, होश ना खोएं, और ये इंश्योर करें कि आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ अपने एक विचारधारा के साथ काम करें, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। काम को ईमानदारी से करें, हमेशा आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा, और मेरा हमेशा सहयोग सभी के लिए रहेगा। धन्यवाद। कहीं ना कहीं ये अपनी निष्पक्षता, अपना बेबाक जो अंदाज है, उसके लिए जाने जाते हैं आकाश जी, और यही हमको खींच लाया यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारा व्यवधान आ रहा था कि हम लोग इंटरव्यू एक दो दिन आगे कर दें, लेकिन एकदम हम भी अडिग होकर कहें कि नहीं, ये जरूरी है, क्योंकि आपने 2 दशक यहाँ पर दिया है और आप जो आने वाले जनरेशन को गाइड करेंगे ना, वो शायद ही कोई कर पाएगा, क्योंकि एक लड़का जो बैचलर भी किया मास कम्युनिकेशन में, मास्टर भी किए, फिर इतना अच्छा अनुभव, वो मायने रखता है, क्योंकि सामने तो बहुत लोग आ जाते हैं, आज बहुत सारा चैनल है, न्यूज है, उसके माध्यम से बहुत लोग जुड़े हैं, लेकिन पूरी तरह से पढ़ाई करके और फिर इतने सारे न्यूज चैनल में, टीवी में काम करने के बाद, और फिर कोई अगर बताता है ये चीज़ तो लोग मानेंगे, लोग इसको वैलिड समझेंगे, और जो बच्चे फ्यूचर बनाना चाहते हैं वो आपसे बहुत सारा प्रेरणा लेंगे। तो ये बहुत अच्छा लगा आज का इंटरव्यू, आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, और हमारे सभी साथी हमारे से जुड़े, और ऐसे ही हमने आगे भी सपनों का सिवान लाते रहेंगे और आपके भी सिवान की अच्छाइयों को दिखाते रहेंगे। धन्यवाद। बिल्कुल, और मेरा भी ये इनके लिए शुभकामना होगा कि इस तरह का ब्लॉग अच्छे तरीके से लोगों से मिलकर बनाते रहें, और निश्चित रूप से इनका सहयोग कीजिए और इनके ब्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और देखिए कि हम इनके सपनों का सिवान हमारे सपनों का सिवान कैसा है। थैंक यू, धन्यवाद।